कटहरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सिया सहित हृदय बसहु सुरहू। भक्त जनों, आज हम श्री राम भक्त हनुमान जी की अनेक अनेक लीलाओं का वर्णन करने जा रहे हैं कि कैसे राम भक्त हनुमान जी ने अपने राम भक्त होने का समय समय पर प्रमाण दिया और सुंदरकांड में तो हनुमान जी की अनेकों लीलाओं का बड़े ही विस्तार से वर्णन मिलता है। हम भी हनुमान जी की उन्हीं लीलाओं का कुछ वर्णन करेंगे, तो मेरे साथ अत्यंत श्रद्धा विश्वास से बोलिए, बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, बोलिए राम भक्त हनुमान की। हनुमान बजरंग बलकारी, इनकी महिमा सबसे न्यारी, राम भक्त हैं बड़े निराले, माँ सीता के पास में आए, देखा रही सिंदूर लगाए, माँ सीता से लगे पूछने, सीता उनसे लगी कहने, ये सिंदूर लगाया मैंने, रखती हूँ जो इसे लगा कर, हनुमान ने निश्चय किया है, ये सिंदूर तो थोड़ा सा है, अपनी पूरी देह में रंग लूं और प्रभु को प्रसन्न कर लूं। भक्तजनों, श्री हनुमान जी की इन्हीं लीलाओं में से एक प्रसंग है कि माता सीता अयोध्या में आईने के समक्ष बैठकर श्रृंगार कर रही थी, तो उन्होंने एक चुटकी भर सिंदूर लेकर अपनी मांग में सजा लिया। हनुमान जी माँ सीता को श्रृंगार करते हुए देख रहे थे। उन्होंने पूछा, हे माँ, ये आपने मांग में लाल लाल क्या लगाया है? तब माता सीता उनसे कहने लगी, पुत्र हनुमान, ये सिंदूर है जो मेरे सुहाग की निशानी है, इसे लगाने से तुम्हारे प्रभु श्री राम अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जब श्री हनुमान जी ने मन में सोचा कि अगर एक चुटकी भर सिंदूर से प्रभु राम प्रसन्न हो जाते हैं तो मैं प्रभु राम को अत्यंत ही प्रसन्न करूंगा। माँ सीता ने लगा लिया जो थोड़ा सा सिंदूर ही है वो, मैं भी उन्हें खुश देखना चाहूँ, सिंदूर न थोड़ा लगाऊं, लेकर के सिंदूर वो आए और देह पर लिया लगाए, होंगे प्रभु इसे प्रसन्न देख कर, श्री राम ने देखा जो उन्हें हनुमान से लगे पूछने, तुमने क्यों सिंदूर लगाया, बोली माँ सीता ने बताया, वो थोड़ा सिंदूर लगाए, प्रसन्न आप ही तब हो जाए, आप रहे प्रभु सदा ही प्रसन्न, तभी लगा सिंदूर से तन। भक्त जनों, हनुमान जी की इतनी सी बात सुनकर माता सीता और प्रभु श्री राम मुस्कुराने लगे और उन्हें वरदान दिया कि हे हनुमान, जो श्रद्धा भाव से आपको हर मंगल और शनि को सिंदूर अर्पित करेगा, आप उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। उसी दिन से भक्तों, श्री हनुमान जी को सिंदूर अति प्रिय है, इसलिए भक्त जन हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करते हैं। सिया राम से बर है पाया, जाए तभी सिंदूर चढ़ाया, जो भी इन्हें सिंदूर चढ़ाते, राम प्रभु का वरदान है, सब करते सिंदूर स्नान है, अपने प्रभु को सब कुछ माने, से राम राम ये कहते, सेवा में सदा तत्पर रहते, राम भक्त श्री हनुमान है, प्रभु का करते बड़ा सम्मान है, राम प्रभु के कार्य
राज सवार, भाई है भरत बराबर प्यारे, भक्तों के हैं सदा सहाय। अगली कथा कुछ इस प्रकार से है भक्तों, एक बार हनुमान जी ने भीम बली के अभिमान को चूर चूर कर दिया था। बात उस समय की है जब भीम को अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान हो गया था। वो अपनी शक्ति के बल में सदा चूर रहते थे और बड़े बड़े पत्थरों को मुष्ठी से चूर चूर कर दिया करते थे। मन ही मन सोचते थे कि मुझसे शक्तिशाली तो कोई योद्धा नहीं होगा। तब हनुमान जी एक वृद्ध वानर के रूप में उनके मार्ग में लेट गए और अपनी पूंछ को फैला दिया। भीम इस पर क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। कौन तुम वृद्ध हो वानर, यूं बैठे तुम पूंछ फैलाकर, मेरे लिए रास्ता छोड़ो। भीम से आपने ये कहा था, मेरी वृद्ध है बहुत अवस्था, पूंछ हो गई मेरी भारी, बड़े ही बलवान हो, बड़ा मुझ पर ये एहसान हो, पूंछ को मेरी तुम उठा दो, काम मेरा आसान हो। भीम को दया वानर पे आई, जो ही पूंछ उठानी चाहे, अपना बल पूरा लगा दिया, पूंछ नहीं गई किंतु हिलाई। भक्तजनों, भीम ने वृद्ध वानर की पूंछ को उठाने के लिए अपना सारा बल लगा दिया, परंतु भीम उनकी पूंछ को उठाना तो दूर, हिला तक नहीं पाए। भीम बली को अत्यंत लज्जा आई और उनका सारा अभिमान एक ही पल में चूर्ण चूर्ण हो गया। फिर उन्होंने सोचा, ये वानर कोई साधारण वानर नहीं हो सकता, अवश्य ही ये कोई महात्मा या स्वयं प्रभु के सेवक हैं, जो मेरा अभिमान दूर करने हेतु यहाँ आए हैं। भीम बली ने हाथ जोड़कर उनके समक्ष प्रार्थना करी। भक्तों, भीम ये बोले हाथ जोड़कर, आप नहीं साधारण वानर, कृपा करके मुझको बतलाइए, अभिमान जो मुझको हुआ है उसे आपने दूर किया है, मैं तो आपको शीश झुकाऊं, आपने अपना रूप दिखाया, भीम बली ने शीश झुकाया, बोले राम भक्त हनुमान हो, अभिमान वश हुआ है जो भी, भूल की मैं चाहता हूँ माफी, भीम ने जो की क्षमा याचना, बजरंगी को बड़ा मानना। भक्तजनों, इसी प्रकार से एक बार अर्जुन को भी अपने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धन होने का अभिमान हो गया था। एक बार विचरण करते हुए अर्जुन एक नदी के तट पर आए और नदी के उस पार जाने हेतु उन्होंने अपना गांडीव निकालकर नदी पर बाणों का एक पुल बना दिया। अपने ही बनाए हुए पुल को देखकर अर्जुन मन ही मन हर्षित हो रहे हैं और सोच रहे हैं, मैंने इस नदी के ऊपर इतना मजबूत पुल बनाया है तो प्रभु श्री राम तो मुझसे भी अच्छे धनुर्धर थे, उन्होंने सागर के ऊपर पत्थरों से सेतु क्यों बनाया, यदि वो चाहते तो बाणों का पुल भी बना सकते थे। उन्हें मन ही मन शंका होने लगी, क्या प्रभु श्री राम मुझ जैसे श्रेष्ठ धनुर्धर के आगे कुछ नहीं थे। अर्जुन के मन का हाल श्री हनुमान जी ने जान लिया भक्तों, और वानर रूप में उनके समक्ष आ गए। अर्जुन के समक्ष आकर श्री हनुमान जी पुल की बढ़ाई करने लगते हैं। वाह धनुर्धर वाह, कितना मजबूत पुल बनाया है। यह सुनकर अर्जुन मन ही मन प्रफुल्लित होते हैं और उनको अपने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी होने का अभिमान होने लग जाता है। भक्तों, श्रेष्ठ हूँ वानर मैं धनुधारी, देख ली तुमने शक्ति हमारी, ऐसा है सेतु मैंने बनाया, आज तक कोई बना न पाया,
श्री राम भी तो थे धनुर्धर, राह में उनकी आया सागर, चिलाओं का सेतु बनवाया, सेतु बना करके बाणों का जा सकते थे वो तो लंका, जब लंका पर करी चढ़ाई, अभिमान अर्जुन को हुआ है, हनुमान ने जान लिया है, दूर अहम करने की खातिर भक्तों अर्जुन का ये भारी अभिमान देखकर हनुमान जी उनसे आकर कहने लगे, हे अर्जुन, वास्तव में प्रभु श्री राम जी आपसे श्रेष्ठ धनुर्धर थे, वो भी आपकी तरह सागर पर बाणों का सेतु बना सकते थे, परंतु उनकी सेना में अत्यंत शक्तिशाली वानर थे, बाणों का सेतु उस वानर सेना का भार सहन नहीं कर पाता, फिर लंका पर चढ़ाई कैसे कर सकते थे। श्री हनुमान जी की यह बात सुनकर अर्जुन उनसे कहने लगे, हे वानर, मैंने बाणों का इतना मजबूत जो ये सेतु बनाया है, इसके ऊपर से प्रभु श्री राम की सारी सेना गुजर सकती थी, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। तब श्री हनुमान जी बोले, नहीं नहीं धनुर्धर, ये सेतु तो मुझ अकेले वानर का भार भी नहीं उठा सकता, फिर भला प्रभु श्री राम की सेना का भार कैसे उठा सकता था। अर्जुन कहने लगे, यदि ऐसा है तो तुम इस सेतु के ऊपर से चल कर दिखाओ। हनुमान जी जैसे ही सेतु के ऊपर चले भक्तों, वो पुल तिनके की तरह टूट कर बिखर गया, और इस तरह श्री हनुमान जी ने अर्जुन का अभिमान चूर्ण चूर्ण कर दिया। भक्तों चूर मेरा अभिमान किया है, आपने ये एहसान किया है, मैंने आपको ना पहचाना, साधारण पर नहीं आप हैं, मन में मेरे पश्चाताप है, रूप आपका जान न चाहता, हनुमान कहने लगे अर्जुन, जान न चाहता है तो फिर सुन, तुमसे बिना मैं अनजान हूँ, जो अपना है रूप दिखाया, अर्जुन ने फिर शीश नवाया, और चरणों में किया प्रणाम है, भक्तजनों इस तरह हनुमान जी की अनेकों अनेकों लीलाएं हैं, जिनमें से कुछ लीलाओं का वर्णन हमने इस संगीत में कथा के माध्यम से किया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको राम भक्त हनुमान जी की लीलाओं का यह वर्णन अत्यंत पसंद आया होगा। फिर भी यदि इन लीलाओं को कहने सुनने अथवा गाने में कोई त्रुटि रह गई हो, तो मैं पूरी टीम के साथ हनुमान जी के चरणों में क्षमा प्रार्थी हूँ। एक बार दोनों हाथ उठाकर सच्ची प्रेम और श्रद्धा से मेरे साथ बोलिए, बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की, बोलिए परम राम भक्त हनुमान जी की।